नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट विथालोक पे। मैं संदीप तिवारी आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एडवांस मैथमेटिक्स की श्रृंखला हम लोग की चल रही है और लगातार हफ्ते में 3 दिन हम आपको मैथ्स की क्लास लेकर के एडवांस मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले कुछ क्लासेस में 2 क्लासेस में आपको शंकु और छिन्नक का अप्रोच बताया। अप्रोच को आज हम अप्लाई करेंगे, मतलब प्रश्नों पे आएंगे और उनके कंडीशंस को, उनके तरीकों को समझने के लिए प्रश्नों का सहारा लेंगे। प्रश्न भी ऐसे हैं जो कि आपने कभी ना कभी एग्जाम में उनको फेस किया होगा, या जिन्होंने नहीं दिया है तो उनको एग्जाम में उस तरह के प्रश्न आने की संभावना दिखेगी। मतलब जब कभी आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के आए हुए प्रश्न ही नजर आएंगे। प्रश्न को लेने का हमारा 2 मकसद था, एक तो ये था कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, दूसरी चीज फिगर भी आपको समझ में आए। फिगर कभी कभी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते पढ़ने के दौरान उतना नहीं समझ पाते जितना प्रश्नों को करने के दौरान समझ लेते हैं, इसलिए प्रश्न को भी लेकर के अगर हम फिगर पे बात करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। समय न जाया करते हुए शंकु और छिन्नक से कुछ आधारित प्रश्नों को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे। आप सभी प्रश्नों को हमसे भी सॉल्व करवाइए, मतलब हमारे साथ भी सॉल्व करिए, साथ साथ आप इन सभी प्रश्नों को नोट करिएगा और नोट करके घर पे भी सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपका कमांड बेहतर हो सके। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप उसको अगर देखिएगा तो इसने कहा एक शंकुआकार टंकी है की ऊंचाई जो दिया है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। एक टंकी आपने देखा होगा कि ऊपर से एक सरफेस रहा होगा, वहां से पानी डाला जा रहा होगा, नीचे उसको वर्टेक्स किस तरह से कुछ करके फिट कर दिया होगा। तो अब उसकी जो ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर दी गई है और उसके जो आधार का ब्यास है वो 64 सेंटीमीटर है। आप सबको पता है कि ब्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है ब्यास। तो 64 सेंटीमीटर है, उसको 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यहाँ पे 2-3 चीजों पे हमें कमांड करना पड़ेगा, जैसे समझना पड़ेगा फिगर को। वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट कराने का जो व्यय आएगा उसको हमको फाइन करना है। मतलब कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपको इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि आयतन ज्ञात करना है। जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हमें खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा, खुद ही सोच करके बताना पड़ेगा। अब आप अगर इस तरह की एक टंकी को सोच रहे थे, ऐसी एक टंकी को सोच रहे थे जिस टंकी की जो ऊंचाई थी वो 60 सेंटीमीटर दी गई थी। अब आप देखिएगा टंकी की ऊंचाई को 60 सेंटीमीटर दी गया था, ब्यास अगर 64 था तो आपको पता है त्रिज्या कितनी होगी, 32 होगी। अगर त्रिज्या 32 से बाहर बाहर मुझे पेंट कराना है तो पेंट कराने के लिए जब बाहर बाहर कराएंगे तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, CSA फाइंड करना है। और CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल, हम सबको अच्छी तरह से पता है पाई आर एल होता है, जहां पे एल है इसकी स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल का मान अगर हम करेंगे तो 60 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग होगा, तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3600 होगा और प्लस यहाँ पे 1024 होगा। इसको भी अगर हम जोड़ देंगे तो आपको पता है कि 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा और 4 होगा, 4624 होगा। 4624 जो होता है 68 का वर्ग, कितने का होता है 68 का। आप अगर इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे तो 68 होगा। कैसे किया जाता है उसका भी तरीका आप दिमाग में रख लीजिए। 46 मतलब अंतिम के 2 अंक छोड़ दिया करें, 46 को लीजिए, 46 से पहले 46 के लिए कौन सी संख्या अपनी वर्ग होकर के 46 के बराबर होती है, 46 से कम होती है, तो 36 जो होता है 46 से कम होता है और 6 का वर्ग यह चीज होता है। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 8 8 64, अगर अंत में 4 है तो या तो 4 या तो 2 आता या तो 8 आता, तो बहुत नजदीक है 4900 के, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा गया। तो 68 यहाँ पे स्लैंट हाइट इसकी तिर्यक ऊंचाई बनकर आई। अगर 68 आई तो आगे देखिए हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पास स्लैंट हाइट तो आ चुकी है, आप यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तुरंत ज्ञात भी कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे 22/7 गुणे आर। आर का मान आप दिख रहा है कि 32 आपको साफ साफ, साथ साथ यहाँ पे आपके पास एल भी 68 आ चुका है। ये तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है, लेकिन एक बात और समझिएगा, जो आपको खर्च निकालना है वो खर्च आपको 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चाहिए, जबकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो आपको एक बात मैं और बता दूं कि इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं इससे यहाँ पे बता दूं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है उसको मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10,000 से भाग देना पड़ेगा। समझने की कोशिश करिएगा, अगर मीटर स्क्वायर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से गुणा करिएगा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो कास्ट हमको अगर निकालना है, वो भी रेट हमारे पास मीटर स्क्वायर में दी गई है, तो आप सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखिए 22/7 गुड़े 32 गुड़े 68 गुड़े रेट जो है आपका 35 लिखिए, लेकिन आपको 10,000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो कुल रुपया बनकर आएगा।
जब मैं इसका कैलकुलेशन करने गया तो देखिए कैसे हमारे सामने चीजें बन रही हैं। जैसे 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 7 से डिवाइड किया तो 5 आया, और फिर आगे देखिएगा तो आपकी और चीजें यहाँ पे कट रही है। जैसे 5 से इसको काटा तो 5 दुना 10 2000 हो गया, ये भी समझ रहे हैं हम लोग, 5 से इसको काटा तो 2000 हो गया। हमने इसको जो है 8 से काटा तो 4 हो गया, और 8 दुना 16 होता है, 8 दुना 16 होता है 4, 8 पंचे 40 होता है, 0 हो गया, तो आपके पास 250 हो गया। अब ऐसे ही अगर हम फिर और काटते चले जाएं, जैसे और हम एक आग टर्म यहाँ पे, उसे 16 से भी आप काट सकते थे इसको, जैसे और काटे तो यहाँ पे 2 से काटिए 2 हुआ, 2 एक के 2 हुआ, 2 दुना 4, 2 पंचे 10 हुआ, 125 हुआ। कुल मिला के जब मैंने इसको काटा तो 22 दुना 44 हुआ, 44 गुड़े 68 हुआ, बटा आपके सामने 125 हुआ। 22 44 गुड़े 68 को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे, 44 गुड़े 68 को अगर मैं 125 से डिवाइड करता हूं तो लगभग 23.94 के आपके पास उत्तर आ जाएगा। मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं आप, अगर गुणा करके देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा 23.94 के आसपास का अमाउंट आएगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। एक बात फिर मैं आपको कह दूं, काटने पीटने की जो स्थिति होती है उसको कुछ इस प्रकार से नोटिस करिए कि आप हर जगह काटना मत शुरू करिए, एक जगह पे अंतिम स्थिति पर आइए और वहीं से आप अप्लाई करिए। यहां से लमसम उत्तर हम देख करके यहाँ पे समझ में आ रहा था किसी की आसपास संख्या आएगी जब आप करके देखेंगे इसको। जैसे इसको 60 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए, या 70 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 7 चौके 28 होता है, 2800 को अगर हम 25 से 125 से लमसम डिवाइड करेंगे तो 125 दूना 2 के आसपास संख्या जा रही थी, इसी को हमने अंदाजा लगा करके यहाँ पे 23.94 को यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बता दिया, और यही इतना रुपया आपका लगेगा अगर बाहरी सरफेस को हमें पेंट कराना है तो। आप एक बार इसको कैलकुलेट करिएगा, पूरी चीज को अच्छे से नोटिस करिएगा, नोटिस करके इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से बताइएगा, 23.94 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, इतने रुपए का खर्च टोटल पेंट कराने में लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, सेकंड प्रश्न पर आपका जो अगला क्वेश्चन है इसको देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है और लगभग एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, आपने नोटिस किया होगा तो। क्या बोला है इसको समझिएगा, एक शंकुओं के, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, दो शंकु है, एक इस प्रकार का है मेरे सामने, इसकी भी अपनी एक ऊंचाई है, इसकी भी अपनी एक त्रिज्या है, एक और शंकु है, इसकी भी अपनी एक ऊंचाई है, इसकी भी अपनी एक त्रिज्या है। समझाने की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे इसकी त्रिज्या अगर R1 है, ऊंचाई H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है, इसकी त्रिज्या R2 है। हमने कहा दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, तो B1/B2 जो मेरे पास दिया है वो कितने के बराबर दिया है, 2/3 दिया है। उसने हमसे कहा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1/R2 जो दिया है हम लोग को वो आपका कितना दिया, 1/2 दिया है। मुझसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 1/3 πR1²H1/1/3 πR2²H2 बराबर आपके सामने 2/3 लिखा। मैंने आयतन को रिप्लेस किया, इनको पूरा ऐसे काट सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात है तो R1²R2² हम लिख सकते हैं इसको 1/4। आप समझे रहिएगा, इसको तो R1² करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, R2² करेंगे तो 1/4 होगा, गुड़े H1/H2 बराबर आपका 2/3 होगा, 4 जाके ऊपर गुड़ा होगा तो यहाँ पे H1/H2 साफ साफ 8/3 आ जाएगा, यही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो 8:3 बी ऑप्शन है, और इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे 8:3 हम लोग मानकर चलेंगे, यही सही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। तो मेरी बात को आप लोग समझ सकते होंगे कि हमने क्या किया, क्योंकि आयतनों का अनुपात 2:3 था और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 था, तो मैंने त्रिज्याओं और आयतनों की हेल्प से यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात 8:3 ज्ञात कर दिया। आप लोगों को ये चीज मेरे ख्याल से पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग फिर से एक बार नोटिस करिएगा, फिर से पढ़िएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, तीसरा प्रश्न आज की क्लास का नोटिस किया जाए, देखिएगा एक नया प्रश्न, इसको देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का अर्धव्यास। अब आप समझिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु है आपके पास, फिर से इसकी भी ऊंचाई दी गई और आधार का अर्धव्यास। अर्धव्यास को हम कहते हैं त्रिज्या, अर्धव्यास को आप व्यास का आधा कहेंगे, मतलब इसको त्रिज्या कहेंगे, पूरी बात को समझिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई आप समझ सकते हैं, और अर्धव्यास को हम त्रिज्या कह रहे हैं, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और अर्धव्यास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 12 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको एक चीज फिर से इसको बना के मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक बार फिर समझिएगा, हमारे पास एक लंबवृत्तीय शंकु है, ऐसे समझिएगा तो इसको समझ में आएगा, बड़ा सा फिगर बनाते हैं इसमें तब क्लियर होगा।
एक हमारे पास लंबवृत्तीय शंकु है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिएगा तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु है कि ऊंचाई तथा आधार का अर्धव्यास, ऊंचाई मतलब आपको पता है ये लेंथ होती है, इसी को ऊंचाई कहते हैं। ये जो ऊंचाई दी गई हमको, ये कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। अर्धव्यास जो दिया गया है मतलब त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है। इसने कहा कि आधार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, आधार से थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कहीं पहुंच करके एक अनुप्रस्थ काटा गया है। अनुप्रस्थ भी उसी प्रकार का है जैसा कि शंकु से बनाया जाता है, जैसे आपने कल छिन्नक पढ़ा था तो इसी साइड की स्थिति यहाँ पे हमने आपसे आपसे डिस्कस करी थी। आधार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आधार के समांतर, अब हमने जो ये हमारे पास आधार था उसी प्रकार से एक वृत्त यहां भी बनाया, एक समतल द्वारा शंकु की वृत्ताकार अनुप्रस्थ, समतल द्वारा वृत्त के शंकुआकार अनुप्रस्थ काट कर जो काटा गया है उसका अर्धव्यास क्या होगा, मतलब इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। याद करिए कल जब मैंने आयतन निकालते समय आपको ये चीज समझाया था कि अगर ये वर्टेक्स है तो इस प्रकार का दो त्रिभुज बना, अब आप समझिएगा, एक त्रिभुज ए बना और एक त्रिभुज आपका ए पूरा का पूरा बना। तो दो त्रिभुज हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, एक त्रिभुज केवल आप इसको नोटिस कर सकते हैं, एक त्रिभुज आप इस पूरे को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप इसको ओ कह रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, इसको डी कह रहे हैं, तो जो त्रिभुज ओ ए बी है वो त्रिभुज ओ सी डी के समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूपता की स्थिति हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। अब आप समझिए कि पूरी हाइट क्या है, 12 है। अगर पूरी हाइट 12 है तो आप अगर 3 सेंटीमीटर के अबव यहां पर हैं, 3 सेंटीमीटर के ऊपर है तो यह हाइट आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब यहां से यहां तक की हाइट 9 सेंटीमीटर होगी। आप समरूपता के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप लिख सकते हैं 9/12, क्योंकि 9 इतने की बात कर रहे हैं और पूरा 12 है, बराबर इसकी त्रिज्या अगर मैंने आर मान लिया तो इसकी त्रिज्या आपके सामने 6 लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, 6 × 12 होता है, 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आर का मान 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार को मैंने कल छिन्नक पे आपको चीजों को समझाया था, इस कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग इस तरह की स्थिति को समझ करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप त्रिज्या बता सकते हैं, आपसे व्यास पूछा जाएगा, जो भी ऊंचाई पूछी जाएगी या जो कुछ भी पूछा जाएगा आप लोग तुरंत उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे नंबर पे, चौथा देखिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न एक सामने आपके फिर है, आप इसको नोटिस करिए, इसको समझने की बात करते हैं हम लोग। क्या दिया इस प्रश्न में, इसने कहा कि 75 सेंटीमीटर कैनवस से, कैनवस आप समझ सकते हैं कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिससे तंबू लगभग बनाया जाता है, उसकी जो चौड़ाई है, मैंने कल आपको बताया भी था कि जो कपड़ा लगता है, कपड़ा आप कभी भी खरीदने जाते हैं तो कपड़ा हमेशा उसकी चौड़ाई फिक्स रहती है, लंबाई आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप तंबू बनाएंगे तो तंबू बनाने के लिए आपको जितने क्षेत्रफल के कपड़े की जरूरत होगी उतना मीटर आपको चौड़ाई के हिसाब से फिक्स करके लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 मीटर अगर चौड़ा कपड़ा है, आपको 100 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ गई, तो 2 मीटर अगर कपड़ा है, 2 मीटर चौड़ा और 100 मीटर कपड़ों की आवश्यकता है आपको 100 मीटर स्क्वायर की, तो आप 50 मीटर लंबा कपड़ा आप खरीद के लाएंगे, क्योंकि 50 × 2 कितना होगा, 100 होगा। तो हमको यहाँ पे चीज को नोटिस करना होगा, जो हमने यहाँ पे कैनवस देखा उस कैनवस की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर थी और हमें जो शंकुआकार तंबू बनाना था 14 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, 14 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट पे भी फोकस करिएगा, ये सेंटीमीटर है जो कपड़ा ले रहे हैं जबकि ऊंचाई इसके भैया 14 मीटर है, 14 मीटर है। और आगे देखिएगा, इसका जो हमको रेडियस नहीं पता है लेकिन जो यहाँ पे हमको लगना है, इसने देखिए 346.5 वर्ग मीटर फर्शीय क्षेत्रफल, फर्शीय क्षेत्रफल का मतलब इस फर्श का केवल क्षेत्रफल है और फर्श क्या है बताइए, वृत्त है, तो मतलब आपको पाई आर स्क्वायर दिया है 346.5 दिया है, जो पाई आर स्क्वायर दिया है मतलब डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दिया उसने, हमको पाई आर स्क्वायर दिया है जो कि 346.5 है। यहां से सबसे पहला काम आप आर निकालिए, क्योंकि आपको पता है कि कपड़ा कहाँ लगता है, कपड़ा आउटर सरफेस पे लगता है, तो मुझे पाई आर एल की जरूरत है। आपको अपनी लंबाई अगर उस कपड़े की पता करना चाहते हैं तो पाई आर एल को अपनी चौड़ाई से आपको डिवाइड करना होगा, तो आपको तो उत्तर पता चल जाएगा, यही आपको जरूरत है। मतलब उस कपड़े की लंबाई की ही तो बात कर रहा है, कैनवस की लंबाई आपको अगर ज्ञात करनी है तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, कपड़ा जितना चौड़ा है उस चौड़ाई से डिवाइड कर दीजिए, उत्तर तो आ जाएगा। लेकिन ना मुझे डायरेक्ट वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, ना तो डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन ही है, बस चौड़ाई थी,
कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्ट आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फिगर पे आइए। फिगर पे देखा हमने कि चौड़ाई ऊंचाई 14 मीटर की थी, और जब हमने इसका क्षेत्रफल देखा तो 346.5 है। वो भी क्षेत्रफल किसका है? क्षेत्रफल केवल और केवल फर्श का है, और फर्श क्या है बताइए? फर्श वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता ही है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर जब 346.5 लिखा, तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा, आर स्क्वायर का मान जो आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, जब 22 से इसको डिवाइड करेंगे आप, देखिए 22 1 के 22 हुआ, 1 12 2 110, कुल मिला के जो हमारे सामने आएगा अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, देख सकते हैं एक बार आप समझ करके, जैसे 22 1 के 22 हो गया, 22 10 32 होता है, 2 34 126, 22 5 110 होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे इससे, या हम पूरी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो पूरा मान हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप 346.5 को, 346.5 को अगर आप 22 से डिवाइड करते हैं तो मान आपका 15.75 आएगा, 15.75 आएगा। और 15.75 को अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूं, 15.75 को अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूं तो 110.25 आएगा, 110.25। वैसे मुझे आपको बताऊं कि मुझे स्लैंट हाइट पता करनी है, वैसे त्रिज्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या 10.5 हो जाएगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं, त्रिज्या आपकी 10.5 हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको आर स्क्वायर की आवश्यकता है, इसलिए हम वहां पे बहुत हिट नहीं कर रहे थे कि आर स्क्वायर को इग्नोर करें। हमें क्यों जरूरत है बताइए? क्योंकि जब हम यल का मान पता करने जाएंगे तो यल होगा क्या बताइए? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यच मतलब आप देख सकते हैं 196 हो जाएगा, 14 का जो वर्ग है, प्लस आर का स्क्वायर बताइए 10.25, अभी देखिए वर्ग ऊपर लिखा भी है, 110.25 हुआ। जब हमने 110.25 में 196 जोड़ा, 196 हमने जोड़ा तो मेरा मान हो गया 306 रूट के अंदर ही 306.25, 306.25। और 306.25 का जो वर्गमूल होता है, 306.25 का जो वर्गमूल होता है वो आप अगर सॉल्व करेंगे 17.5 हो जाएगा। मतलब यल जो होगा आपका 17.5 हो गया, यल आपके पास 17.5 हो गया। और अगर हम आए अब यहाँ पे, और जहां पे मुझे सही सही जो आंसर पता करना है, देखिए यल तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब हमने स्लैंट हाइट निकाल दी। अब स्लैंट हाइट निकालने के बाद इस कपड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 22/7, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, आर, आर हम लोग को पता चल चुका है 10.5, यल हम लोगों ने पता किया 17.5, डिवाइड किससे कर रहे हैं बताइए? डिवाइड 75 सेंटीमीटर। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बनाते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात हम 75/100 कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 75 आपका नीचे चला आएगा। 100 ऊपर चला गया, 75 नीचे चला गया। जब मैंने इसको पूरी तरह से काटा पीटा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे काटा जा सकता है। जैसे आप देखिए इनके 2 दशमलव गायब हो गए, 100 जैसे ही गुणा किया तो 100 का काम खत्म हो गया, दोनों शून्य आपके गायब हो गए। आप देख सकते हैं 25 75 कर सकते हैं, 25 7 इतना कर सकते हैं, 7 इससे कटा, 3 से इसको डिवाइड कर दिए, 3 3 9, 3 5 15, 22 5 110, 22 3 66 66 11 77, 770 मीटर आपके पास उस कपड़े की लंबाई होनी चाहिए। 770 मीटर उस कपड़ा लंबा होगा जिस कैनवस को, जो कैनवस आपका 75 सेंटीमीटर चौड़ा था, जिसको लेकर के आप उस कोन को बना सकते थे, वो आपका 770 मीटर अगर आप मार्केट से परचेज करके लाएंगे लंबाई का, तब जाकर के इस प्रकार के कोन का निर्माण आप कर सकते हैं, ऐसे कैनवस की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया, जरूरत तो मुझे फिलहाल इतनी थी। सबसे पहले इसको नोटिस कर लीजिए क्या क्या करना था, कपड़े की लंबाई ज्ञात करनी थी, कपड़े की चौड़ाई दी गई थी। सबसे पहले कपड़े के एरिया की बात की जाए, एरिया हमेशा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ के लिए क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी, यल की जरूरत थी। यल निकालने गए तो हमें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल केवल पता था, वृत्त के क्षेत्रफल से आर निकाला, आर के आर स्क्वायर निकाला, दोनों की मदद से हमने यहाँ पे स्लैंट हाइट पता करी, लाके यहाँ सबको सब्स्टिट्यूट किया, हमें इसका आंसर पता चल गया। एक बार फिर से आप क्वेश्चन लिखिएगा, लिख करके इसको सॉल्व करिएगा अपने मन से, तो मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो आप नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, चौथे के बाद पांचवें नंबर पर, पांचवा प्रश्न आपके सामने। देखिए अब देखिए मैंने कल इस तरह के प्रश्नों की आपसे बात करी थी, अब थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों में ना जाइएगा। जैसे लिखा है 25 सेंटीमीटर ऊंची किसी रूढ़ित शंकु होता है, रूढ़ित शंकु मतलब ऐसे शंकु, बाल्टी लिखा हुआ देखिएगा, तो बाल्टी आप सब समझ सकते होंगे कुछ इस प्रकार का, जिसको कल मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम छिन्नक कहते हैं, ये बाल्टी, ये बाल्टी।
के वृत्ताकार छोरों, वृत्ताकार छोरों मतलब ए वृत्ताकार और ए वृत्ताकार, दूसरा वाला वृत्ताकार छोरों की जो त्रिज्याएं है 28 सेंटीमीटर, मतलब इसका तो 28 हो गया और इसका है 7, 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, कि जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है कि वो तो हमें घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारिता बतानी है। घन सेंटीमीटर में बाल्टी अगर याद होगा आपको तो मतलब हमें एक तरह से इस बाल्टी का आयतन ज्ञात करना है। आयतन मैंने कल आपको पढ़ाया था 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब आप लिख डालिए सब कुछ, 1/3 गुणे 22/7 गुणे एच, एच की जगह 45 लिखेंगे हम लोग, आर स्क्वायर मतलब 28 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 28 गुणे 7, इसी का पूरा सलूशन हमको करना पड़ेगा, इसी का पूरा सलूशन हमको करना पड़ेगा और इसी में से हमारा उत्तर बन के आएगा। जैसे कुछ चीजें जो कट रही है, 3 से जाएगा 15 बार और आपके सामने हो गया 22 गुणे 15 बटा 7 है गुणे यहाँ पे 28 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 28 का वर्ग हो जाएगा। अगर हम लोग केवल 28 का वर्ग फाइंड करते हैं तो हमारे सामने 28 को 28 से गुणा करने पे मान 784, क्योंकि 28 का वर्ग होता है 784, 7 का वर्ग होता है 49 और 28 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ, 28 को मैं अगर 7 से गुणा करता हूँ तो मान हमारा 196 हो जाएगा। 7 8 56 होता है, 7 2 14 5 19, आप प्रत्येक को अगर जोड़ देंगे, जैसे 196 को 196 को 49 में प्लस 196 को 49 में प्लस 784 में अगर हमने जोड़ा तो मान मेरा 1029 हो जाएगा। जैसे 22 गुणे 15 बटा 7 है गुणे आप 1029 बना लिए इसको, 7 से देखिए कट रहा है, 7 1 के 7 3 2, 7 4 के 28 4 32, 7 से बिल्कुल कट रहा है, 7 1 के 7 3 2, 7 4 के 28 7 7 49, 147 गुणे 15 गुणे 22, तो आपके पास हो गया 147 गुणे 15, 147 गुणे 15 गुणे 22, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 48510, 48510 सेंटीमीटर क्यूब ए उस बाल्टी की धारिता हो जाएगी। 48510 आपके सामने पहला ऑप्शन है जो इस बाल्टी की धारिता यहां पे बोली जाएगी। मतलब अप्रोच को समझने की कोशिश करिएगा जो इसने कहा है, मतलब हमको त्रिज्याएं दोनों दिया था, उसकी ऊंचाई दी गई थी, हमको क्या करना था उस बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी थी, तो धारिता को ज्ञात करने के लिए हमने जो सिस्टम था जो मैंने कल आपको फार्मूला पढ़ाया था छिन्नक के आयतन का, उस आयतन का यूज किया, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर गुणे आर को अप्लाई किया तो 48510। थोड़ा देखने में प्रश्न बड़ा लगेगा लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बड़ा यूनिक होता है, एकाध प्रश्न आता है जो लगभग फंसाता है सबको, तो आप लोग को थोड़ा सा क्रिएटिव होकर के थोड़ा सा पेशेंस बना करके इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा। चलिए ये प्रश्न का उत्तर हो गया, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, नया प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए इस प्रकार के अगले प्रश्न की बात की जाए तो देखिए फिर से हमारे सामने एक बढ़िया प्रश्न आया, हम इसकी बात करें। हमारे पास देखिए एक शंक्वाकार तंबू है कि आधार की त्रिज्या, देखिए एक तंबू इस प्रकार से आपका बना हुआ है, जैसे अभी तक हम लोग यहाँ पे शंक्वाकार तंबू की तमाम बातें करते आ रहे हैं, आधार की त्रिज्या 16 मीटर है, आधार की त्रिज्या 16 मीटर है, तदनुसार उस तंबू को बनाने में इतने वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता पड़ी। अब आप खुद ही समझ लीजिए, कैनवस मतलब जो कैनवस हमें जो कपड़े का क्षेत्रफल है वो आपका CSA है, कर्व सरफेस एरिया है, कितना 427 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको इतना कैनवस की जरूरत पड़ी थी, यही तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, स्लैंट हाइट हमसे पूछा है। अब आप समझिए आपके पास एच या एच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपको पता है CSA होता है पाई आर एल बराबर, अगर 427 को हम 7 से गुणा करके 3 से जोड़ दें तो 427 को जैसे ही हमने 7 से गुणा किया, 427 को हमने 7 से अगर गुणा किया तो हमारा मान हो जाएगा 2900, मतलब 2900 अगर 7 7 49 7 2 14 4 18 7 4 28 से 29 2989 में अगर हम 3 जोड़ दें और नीचे 7 रख दें तो कुल मिला के 22/7, क्योंकि पाई का मान है, आर हमको 16 दे दिया गया है, यही तो पता करना है, जोड़ा तो 9 3 12 कैरी 1 होता, 8 1 9 हो गया और आपके पास 2992/7 हो गया। अब मुझे फाइनली 7 7 को काट देते हैं, यल का मान हम ज्ञात करते हैं तो 2992/22 गुणे 16 कर दीजिए, 22/16 मतलब 2900 जो हमारे पास 92 है, 2992 को अगर मैं 22 से और 16 से डिवाइड कर दूं
तो 22 से और 16 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मान 8.5 मीटर हो जाएगा। 8.5 मीटर इसका क्या रहेगा बताइए, स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, देखिए सिंपल सा सिस्टम था, इसमें आपने कपड़े का जो है क्षेत्रफल देखा था, लेकिन उस कपड़े का क्षेत्रफल ही आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उसी फार्मूले को अप्लाई करके, उसी चीज को अप्लाई करके जो हमारे पास त्रिज्या पता थी, मुझे इस ऊंचाई की भी आवश्यकता नहीं थी, मुझे स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता थी, इसके लिए हम डायरेक्टली इस फार्मूले पे चीजों को रखे हैं। और हमने जब उत्तर देखा तो 8.5 मीटर प्रश्न का सही उत्तर हमारे सामने बन के आ रहा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से आपका 7वां नंबर आता है, 6 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां नंबर देखिएगा, इसका देखिए इस प्रश्न का उत्तर समझिए क्या है, फिर से देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन, 1232 घन मीटर है। तंबू का जो आयतन है, अब आप एक देखिए, फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आया, शंक्वाकार तंबू है उसका जो आयतन है वो 1232 घन मीटर है, वॉल्यूम जो दिया है 1232 घन मीटर है, सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, और उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ये आधार तो वृत्ताकार ही होता है ना, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर आपका 154 दिया है, ठीक है। अच्छा, आयतन भी क्या होता है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर अच्छी तो होता है, जिसमें पाई आर स्क्वायर का मान तो दे ही रखा उसने। यहाँ पे उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवस की लंबाई ज्ञात कीजिए, यदि उपलब्ध कैनवस केवल 2 मीटर चौड़ा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है यार, अगर हम लोग इस चीज को देखें तो मुझे जरूरत किसकी पड़ गई बताइए, पाई आर एल की। अगर हमें केवल और केवल लंबाई ज्ञात करनी है तो पता है पाई आर एल अपान ब्रेथ करना पड़ेगा, मतलब चौड़ाई करनी पड़ेगी। तो अब इन सब के लिए हमें फिर से तमाम सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या पता करते हैं। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या देखिए कैसे निकाला जाएगा, उसको समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को पाई आर स्क्वायर दिया है, पाई आर स्क्वायर अगर आपका 154 है तो आप यहाँ पे इसकी ऊंचाई तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कितनी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई तुरंत हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कैसे, 1/3 गुणे यहाँ पे लिख दें 154 गुणे h बराबर आपका 1232 हो जाएगा। 1232 आप इससे इसको काट सकते हैं, डायरेक्टली इससे काट सकते हैं, 154 से अगर हम 1232 को काटते हैं, 154 से अगर हम 1232 को काटते हैं तो 1232 को अगर जैसे मैंने 154 से डिवाइड किया तो मान केवल 8 हो जाएगा, और 8 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो इसका मान 24 हो जाएगा। तो ऊंचाई तो 24 हो गई। और एक चीज मैं आपको यहां से स्पष्ट बता दूं कि पाई आर स्क्वायर अगर आपका 154 दिया है तो आर का मान 7 हो जाएगा, मतलब यह मान 7 हो गया, या मान 7 हो गया तो तिरछी ऊंचाई आपकी पता है 25 हो जाएगी, अंडर रूट 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, आपके पास 625 का वर्ग होता है तो 25 हो गई। अब आपके पास अगर 25 हो गया तो आप आ जाइए यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, साफ साफ चौड़ाई तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कैसे, 22/7 गुड़े आर, 7 गुड़े एच एल, एल मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 मीटर चौड़ा हमारे पास अवेलेबल है, इससे इसको डिवाइड करिए 11 कर दीजिए, 11/55 11 × 2 = 22 × 5 = 27 275 मीटर, 275 मीटर लंबा हमें कैनवस लेना पड़ेगा तब जाकर के वो तंबू आपका बन पाएगा। तो कितना आसान सा देखिए सारी चीजें थी आपके सामने, आयतन पता था और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पता था, इससे हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली, यहाँ से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, दोनों की मदद से स्लैंट हाइट पता कर ली, ला के सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमको जो कपड़ा खरीदना था उस कपड़े की चौड़ाई हमारे पास मार्केट में फिक्स थी, 2 मीटर लेना ही लेना था, तो लंबाई को हमको पता करना था, तो लंबाई हमने क्या किया, इस पूरे एरिया को, एरिया ही तो होता है ना यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो कपड़े का क्षेत्रफल होता है, उसको हमने सिंपली चौड़ाई से डिवाइड कर दिया, 275 मीटर इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया, ये देखिए इसको नोट करते हैं हम लोग समझते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो परिमाप है, अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप मतलब आपको पता है परिधि, जिसको वृत्त की परिधि कहते हैं वही परिमाप है, तो वृत्त की परिधि ही परिमाप है, तो 2πr जो आपको दिया है वो 8 है, 2πr 8 है। यदि उस शंकु की ऊंचाई, उस शंकु की ऊंचाई हमारे पास 21 सेंटीमीटर दी गई है तो आयतन पूछा है, आयतन पूछा है तो आयतन सब लोगों को पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें कोई समस्या ही नहीं रह गई, क्योंकि यहां से त्रिज्या तो तुरंत ज्ञात कर लेंगे कैसे, तो हम देखिए कुछ चीजों को नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पे जो मान आ रहे थे लगभग पाई में आ रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि उत्तर भी हमारा पाई में होगा, तो कैसे करते हैं, पाई में ही सब कुछ करके चलते हैं। जैसे 2 × 8 कर दिया, आर का मान 4/π हो गया, आर का मान कितना हो गया 4/π रखे रहिए ऐसे ही, ऊंचाई 21 है ही है, आइए आयतन पे रखिए 1/3 पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 16/π स्क्वायर,
16/22 गुणे एच, एच की जगह पे 21 कर दिया, एक पाई की पावर इससे खत्म हो जाएगी, 3 × 7 = 21 होता है, 16 × 7 = 112 होता है और आपके पास 112/π सेंटीमीटर क्यूब बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आधार का परिमाप दिया था मतलब परिधि दी गई थी, परिधि से मैंने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या को मैंने उठा के यहाँ पे ऊंचाई ऑलरेडी दे रखा था, मैंने उठा के फार्मूले में रखा, सिंपल सा आंसर हो गया 112/π। और हम पाई पे इसलिए कंसंट्रेट कर रहे थे क्योंकि जब आप कभी भी एग्जाम में जाएंगे और पाई पे अगर आंसर पा रहे तो आप पाई को टच मत करिएगा, भले उसने लिख रखा हो पाई का मान, फिलहाल लिखा भी नहीं था, देखिए तमाम प्रश्न में लिख के आता था लेकिन इस प्रश्न में कहीं पाई की वैल्यू बता ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। 9वें नंबर पे हम लोग आते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आपके सामने एक फिर से एक नया प्रश्न है, एक शंकुनुमा मतलब शंकु ही है, तंबू के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, शंकुनुमा तंबू के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। देखिए फिर से आपके सामने एक शंकु है कि आधार की त्रिज्या कितनी है बताइए, 12 है, तंबू 9 मीटर ऊंचा है, तंबू 9 मीटर ऊंचा है, तंबू बनवाने के लिए अपेक्षित कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए, यदि यदि कैनवस 1 वर्ग मीटर की कीमत ₹100, इतना बढ़िया क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं इसमें, आपको कुछ नहीं बस केवल आपको पाई आर एल ज्ञात करना है, पाई आर एल को 120 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा साफ साफ, लेकिन याद रखिए पाई की जगह पे यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करना है। सबसे पहले एल तो ज्ञात करें, एल हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, आपको पता है कि 225 होगा मतलब 15 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 होता है, 9×9 = 81 होता है, 81 जोड़ देंगे 225 का मतलब 15 हो गया, पाई की जगह 3.14 लिखिए आप समझिएगा, आर की जगह 12 लिखिए, एल की जगह 15 लिखिए, गुड़े पैसा कितना लगना 120 से गुड़ा कर दीजिए, यही आपका टोटल कास्ट हो जाए। देखिए पाई आर एल तो आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कास्ट निकालने के लिए हमने पाई आर एल को रेट से गुड़ा कर दिया, पाई मतलब 3.14 कभी प्रयोग नहीं कर सकते जब तक दिया ना गया हो, अगर दिया नहीं गया तो 22/7 कर सकते हैं लेकिन 3.14 तभी करेंगे जब इस प्रकार से प्रश्न में आपको दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो करना जरूर है ये भी समझिएगा, अगर यहीं पे कोई 22/7 से करेगा तो उसका उत्तर डिफरेंट आएगा, इसलिए आपको जो कहा गया है उसी हिसाब से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपके सामने 3.14 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 120, जब हमने साल्व किया इसको, जब मैंने साल्व किया इसको, देखिए आपके सामने 180 हो जाएगा अगर इसका गुणा करेंगे, तो 180 गुणे 12 120 हमारे पास रहेगा, 180 गुणे 120 गुणे आपका है 3.14 तो उत्तर हो जाएगा 67,824 लास्ट ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं 67,824 इस प्रश्न का उत्तर बनकर आएगा, मतलब इस कीमत इस तंबू को बनवाने के लिए जो खर्चा आएगा वो 67,824 आएगा, समझ में आ गया होगा, वही सारी बातें हैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, आप एक एक चीजों को देखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न पे आते हैं आज की इस क्लास में, आप देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर आया, 10वां नंबर, क्या बोला है बताइए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई को अगर दुगुना कर दिया जाए, आधार हमारे सामने मतलब त्रिज्या और ऊंचाई मतलब यच, ये त्रिज्या थी और ये ऊंचाई था, आयतन बताइए क्या होगा, 1/3 πr² h होगा, अगर इसको हम दुगुना कर दें, एक नया तंबू बना लें, ऐसे तंबू जब हमने बनाया तो इस बार तंबू को हमने यहाँ पे 2r कर दिया, ऊंचाई को 2h कर दिया, तो बताइए आयतन क्या होगा, 1/3 πr² r मतलब 4r² हो जाएगा गुणे 2h होगा, तो आप ही बताओ कितना हो गया, 1/3 4×8 πr²h आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल पाई आर स्क्वायर एच है जबकि यहाँ पे 8 πr² h हो गया, तो दोनों में फर्क देखिए, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाइए तो पूर्व आयतन का 8 गुना हो जा रहा है, जैसे अगर पाई आर स्क्वायर 3 से 1/3 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच से मान 8 πr² h हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 8 πr² h होने का अर्थ होता है कि पूर्व आयतन जितना भी था उस आयतन का 8 गुना आयतन अभी हमारे पास नया आयतन हो गया, तब जब हमने इसकी त्रिज्या को दूना किया, इसके व्यास को इसके ऊंचाई को भी दूना किया, तो इसके आयतन में 8 गुना की वृद्धि हो जा रही है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 के 10 जो प्रश्न हमने आपको बताए, केवल हमारा उद्देश्य इनको बताना और क्वेश्चन को समझाना नहीं था, पूरी बात को सुन लीजिएगा, हमारा उद्देश्य यहाँ पे इन प्रश्नों की मदद से आपको इन कॉन्सेप्ट को फिर से समझाना था, जिससे कि आप फिगर को और कमांड कर पाए, जितना तह तक फिगर को सीखेंगे समझेंगे उतने अधिकता के साथ उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रश्नों को हल करेंगे।
उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और यह श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। इसी विश्वास के साथ हम लोग अब नए सिरे से फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे 3D फिगर में। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।